हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए चाइल्ड स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन सीटिंग पोजीशन स्टैंड्स अप देन द पीरियड ऑफ स्विंग विल बी। क्वेश्चन में कहा गया है, आप सिंपल वे में ऐसा समझ सकते हो कि एक झूले पर एक बच्चा झूल रहा है और वो अभी बैठा हुआ है। अगर वो झूले पे ही खड़ा हो जाए तो उस जो झूला है उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो बढ़ेगा या घटेगा, उस हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और ये वैल्यू होता है टी इक्वल टू 2π√L/g। तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है एक चाइल्ड जो है वो झूले पे अभी बैठा हुआ है। तो सपोज हम लोग एक झूला को कंसीडर कर लेते हैं और ये झूला जो है पेंडुलम की तरह वर्क कर रहा होगा। सपोज ये झूला है और यहाँ पर एक बच्चा, आप ऐसा मान लो कि ये अभी बैठा हुआ है, आप इसे मान लो कि ये सीटिंग पोजिशन में है, बैठा हुआ है अभी। अब अगर आप इसका टाइम पीरियड निकालो तो नॉर्मल अगर पेंडुलम होता है तो पेंडुलम के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये पेंडुलम है, हिंज पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पर एक एमएस का बॉब लगा होता है और उस कंडीशन में हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं टी इक्वल टू 2π√L/g। ये एल क्या होता है, ये वाला लेंथ होता है, ये मतलब जो मास है वहाँ से इस मास से इस हिंज पॉइंट के बीच का दूरी, और यहाँ पर भी इस मास से इस हिंज पॉइंट के बीच का दूरी। अब ये जो बच्चा है ये अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके बीच पे रहा होगा, ऐसा मान लो आप। अब कहा जा रहा है इसी झूले पर झूलते हुए अगर टाइम पीरियड सपोज ये है टी इक्वल टू 2π√L/g, वो बच्चा सीटिंग पोजीशन से खड़ा हो जा रहा है, झूले पर स्टैंड हो जा रहा है। इसका मतलब दूसरा कंडीशन आप ऐसा ले सकते हो कि ये सपोज झूला है, अब की बार ये झूला है और बच्चा जो है अब ये बैठा नहीं रहा, ये खड़ा हो गया। कि ये जो बच्चा जब अपने सिटिंग पोजीशन से स्टैंड अप हो गया तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। यानी पहले अगर सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे रहा होगा तो ये खड़े होने की वजह से आप ऐसा समझ लो हिंज पॉइंट से जो है बच्चे का मास जो है ना वो थोड़ा सा नज़दीक आ गया। अगर हम लोग इसे एल डैश बोले, ये जो एल डैश है ये कम हो जा रहा है एल से, यानी पहले वाले लेंथ से ये कम हो जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे बच्चा का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जा रहा है ऊपर के साइड जब खड़ा हो जा रहा है। तो अब जो नया अगर आप टाइम पीरियड निकालते हो टी डैश अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा 2π√L/g, इस पर L/g। अब आप दोनों में कंपेयर कर पा रहे हो, ये टी डैश टाइम है और ये स्टार्टिंग का टाइम है टी। अब यहाँ पे देखो सब कुछ तो सेम है, बस यहाँ पे एल है और यहाँ पर एल डैश है। अब आप इजिली कंपेयर कर पा रहे हो क्योंकि एल डैश जो है वो कम है एल से, तो आप यहाँ से इजिली बोल पाओगे जो टी डैश है वो भी कम हो जाएगा टी से, यानी जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा पहले से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।